मेरठ में पुलिस को बिजली विभाग की जेई का चालान काटना भारी पड़ गया। जी हां, गुस्साए जेई ने चालान काटने पर मेडिकल थाने और तेजगढ़ी चौकी की बिजली ही काट डाली। पुलिस वालों को घंटों बिना बिजली के ही काम करना पड़ा। इससे थाने का काम भी बाधित हुआ और थाने वालों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। सर, मेडिकल थाने की बिजली का काफी घंटे खुल रही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि बिजली विभाग के जेई की वजह से उसको चालान काटने की वजह से ये सब हुआ। आपका क्या स्टैंड है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जेई के चालान काटना तो एक संयोग की बात है। चूँकि बिजली बकाया थी और बिजली बकाए पे कटने का अभियान इसमें चल रहा है वर्तमान में, तो जेई ने कई लोगों के कनेक्शन काटे हैं और उसमें उसको ये शायद इत्तेफाक से थाने की भी बिजली उसी कंटिन्यूएशन में उसने काट दी है। और ये संयोग की बात है कि उसका चूँकि चालान भी कल ही कटा हुआ था, ये भ्रम की स्थिति इसलिए पैदा हो रही है कि इस रिवेंज में उसने काटा है। क्योंकि उससे बात करने पे उसने इस चीज़ को डिनाई किया और बताया कि बकाए पे चूँकि थाना था इसलिए बिजली काट दी गई है। फिलहाल चूँकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मामला था इसलिए मैंने संज्ञान में आने के बाद थाने की बिजली जुड़वा दी। क्योंकि नेचुरली ये व्यक्तिगत बिजली का बिल नहीं होता और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जैसा आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि बिल वेरीफाई करके ये अपने हेडक्वार्टर को भेजते हैं, वहाँ से पेमेंट आने के बाद ही जमा कर पाते हैं। तो इसलिए उसमें यशो का भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। वो अपने बिल को वेरीफाई करा करके हेडक्वार्टर भिजवा देता है, इतना तक रोल रहता है और हेडक्वार्टर से बिजली का बिल आने के बाद ही वो भुगतान कर सकता। टाणा नगर में 6 वर्षीय बालिका को किशोर बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। घटना का पता चलने पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। बालिका के पिता की तहरीर के आधार पर किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही बालिका को मेडिकल के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। क्षेत्र में एक 6 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना सामने आई, क्या है मामला सर? पूरा टांडा में 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी। आरोपी भी जुवेनाइल है, दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। तत्काल पुलिस ने इसमें FIR दर्ज की। आरोपी गिरफ्तार होकर के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। पीड़िता का मेडिकल करा लिया गया है। आगे जो और विधिक प्रक्रिया उसे पूरी करके आरोप पत्र आदि शीघ्र माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया गया। करहल के नगला डंबर में एक 10 वर्षीय किशोर कल से गुम हो गया था, जिसका शव आज गांव के एक खेत में बरामद हुआ। शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। ये बच्चा है विकास नाम का, कक्षा 5 का छात्र था। कल शाम से वह है वो गायब था और रात के 10 बजे के आसपास थाने सूचना आई थी। सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और रात से ही परिजन, गाँव वाले और पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और आज एक खेत में उसकी मिट्टी मिली है और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अभी अग्रिम कार्रवाई करेंगे, पंचायत में कार्रवाई करेंगे, पोस्टमार्टम कार्रवाई होगी, इसके पश्चात हम लोग अन्य कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। यौन शोषण केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने चिन्मयानंद को शाजापुर से ही उनके दिव्य आश्रम से गिरफ्तार किया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सर, रोलिंग सर, चिन्मयानंद जी की गिरफ्तारी हो गई है, SIT ने की है? जी हाँ, आज सुबह उनको आश्रम से गिरफ्तार किया गया है, स्वामी चिन्मयानंद को, और हमारी SIT की टीम ने उनको गिरफ्तार करके उनका मेडिकल कराया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उनको जेल भेजा गया है। उनको 14 दिन का जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है और साथ ही साथ हम लोगों ने 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, उन्हें भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। वो तीनों एक्सट्रॉशन के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने एक्सट्रॉशन लेने की कोशिश की स्वामी चिन्मयानंद का, और स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया। सर, इतनी देरी क्यों हुई गिरफ्तारी में, क्या लगता है? नहीं, कोई देरी नहीं हुई है। SIT उस पर काफी बारीकी से उसकी विवेचना कर रही थी। लड़की का जब, पीड़िता का जब स्टेटमेंट हुआ है
उस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने कुछ वीडियो क्लिपिंग्स दिए हैं, उस वीडियो क्लिपिंग्स को और एक्सट्रॉशंस के जितने भी हमारे पास वीडियोस थे उन सबों को फॉरेंसिक्स के लिए भेजा गया और उसके परीक्षण के उपरांत ही हमने स्वामी चिन्मयानंद को और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। सर रामपुर में आदम खान के ऊपर एक से के बाद एक बस इसके बाद ही मैनपुरी भोंगाव इलाके के जवाहर नवोदय विद्यालय में चार दिन पूर्व छात्रा अनुष्का का शव फांसी पर लटकता हुआ मिला था। परिजनों ने हत्या और दुष्कर्म के प्रयास की आशंका जताते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य सुषमा सागर व वार्डन एवं छात्र अजय के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अधिकारियों ने छात्रा द्वारा आत्महत्या करना बताया है। वही मामले में प्रधानाचार्य सुषमा सागर को निलंबित भी कर दिया गया है। मामले में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पीड़ितों के घर पहुंचे और उन्हें हर संभव पीड़िता को मदद का आश्वासन दिया। शिवपाल सिंह ने कहा कि परिवार चाहता है कि सीबीआई की जांच हो और हम भी चाहते हैं कि हम सरकार से सीबीआई की जांच की मांग करें। सर क्या हो रहा है इनकी बेटियों के साथ? देखिए उसके साथ जो पोस्टमार्टम में जो चोटें दिखाई गई थी और जब मेडिकल हुआ तो उसमें तो वो दिखाई नहीं गई है। संदेह तो इसी पे हो रहा है कि कहीं न कहीं प्रशासन ने उसमें हस्तक्षेप किया है, छुपाई गई है घटना को और घर वालों को, बेटी के माता पिता को विश्वास में नहीं लिया गया, बिल्कुल नहीं लिया गया है और कहीं न कहीं संदेह पैदा होता है इससे। और जो माँ की मांग है सीबीआई, हमारी भी मांग है, तो इसमें सीबीआई ज़रूर होना चाहिए और हम लोग कोशिश भी करेंगे, हम लोग कोशिश भी करेंगे। शिवपाल जी, यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अभी शाहजहांपुर का मामला है, चिन्मयानंद बीमार पड़ गए हैं जैसे ही बात गिरफ्तारी की आई, आपको क्या लगता है कि सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? पूरी तरह से, देखिए ये घटना ही है मैनपुरी की घटना है जो बेटी के साथ हुआ है और 15 साल की बेटी और किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है और 94% जहाँ बात कितनी मेधावी छात्र और अभी तक माँ और पिता। मेरठ के थाना सदर बाजार पुलिस ने हुक्का बार समेत आधा दर्जन होटलों और रेस्टोरेंट पर छापा मारा। पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई के दौरान एक हुक्का बार पकड़ लिया है जहां अवैध तरीके से लड़के लड़कियों को हुक्का और शराब परोसी जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा लंबी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस अधिकारियों की छापेमारी से रेस्टोरेंट और होटलों में हड़कंप मच गया। एसएसपी सहारनपुर के निर्देशन में थाना नानोती पुलिस द्वारा 356 19 धारा 392 आईपीसी में वांछित चल रहे अभियुक्त अनिल निवासी पीर माजरा थाना कुतबेश्वर सहारनपुर को एक अवैध तमंचा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और एसएसपी सहारनपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें अधिकारी कर्मचारी गण द्वारा बैंकों के अंदर व बाहर अनावश्यक घूमने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। जिसमें एक युवक होटल में बैठा है, फायर कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है विधायक का वो जो है भतीजा है, वो ये आरोप लगा रही है, पुलिस ने जो है गलत आरोप में उसको जेल भेज दिया। देखिए सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी होटल में एक युवक के द्वारा जो है अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर करना पाया गया है और उसी जो मालिक के उसी होटल के मालिक के तहरीर पे मुकदमा लिखा गया है 307 में और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उनके असला उनसे भी बरामद हुआ है और असला भी सीज हो गया है, आदमी भी गिरफ्तार हो गया और वो जेल भेजा जा चुका है। उसमें जो भी कार्रवाई शेष था वो पूरा हो चुका है। असला निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी के लिए भेज दिया गया है। प्रकरण जहां तक है कि जो आरोप लगाया जा रहा पुलिस ने गलत भेज दिया, बिल्कुल वो गलत है। सीसीटीवी फुटेज में पूरा प्रकरण कवरेज हो रखा है, उसके रिकॉर्डिंग से उसी के आधार पर
मालिक ने तहरीर दिया, उसी के आधार पर पुलिस ने ही कार्रवाई किया है। सर फायरिंग क्यों किया था? ये जांच किया जा रहा है। मालिक का कहना है कि बिल भुगतान को लेके जो विवाद हुआ उसमें फायरिंग किया है, बट अब जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि रियल प्रकरण क्या है। ठीक है।